दोस्तों आज हम लोग पढ़ेंगे, क्या पढ़ेंगे, निकट दृष्टि दोष और दूर दृष्टि दोष। इतना बेसिक शॉर्ट तरीके से बताएंगे ना कि कभी दोबारा वीडियो देखने की जरूरत ही नहीं पड़ेगा कि निकट दृष्टि दोष क्या होता है और दूर दृष्टि दोष क्या होता है। तो ये वीडियो को अंत तक देख लीजिएगा, स्किप बिना करे देख लेंगे ना तो मेरा वादा है ना कि कभी दोबारा ये नहीं देखना पड़ेगा, निकट दृष्टि दोष और दूर दृष्टि दोष। इसे समझने के लिए आपको क्या समझना पड़ेगा ये हम बताते हैं। ये तो आप याद ही कर लेंगे, मुझे पता है। जो निकट दृष्टि दोष और दूर दृष्टि दोष, उसे समझने के लिए सबसे पहले आपको क्या करना पड़ेगा, देखिए ये आपको अवतल लेंस के बारे में समझना पड़ेगा और उत्तल लेंस के बारे में समझना पड़ेगा। देखिए अवतल लेंस क्या होता है और उत्तल लेंस क्या होता है, ये समझ लीजिए। अवतल लेंस क्या होता है, देखिए जब प्रकाश की किरणें जब जब यहाँ से अवतल लेंस में जाती हैं, ये अवतल लेंस का चिन्ह है, ठीक है, तो ये फैल जाती हैं और पीछे की तरफ यहाँ पर मुड़ने लगती हैं, ये पीछे की तरफ। तो ये कभी भी दूरी ये दाहिने वाले ये दाहिने दाहिने वाला है, ये दाएँ हैं ये बाएँ हैं, तो प्रकाश इधर से इधर जा रही है, ठीक है, तो फोकस किधर बन रहा है, ये फोकस इधर बन दाएँ की ओर, तो ये चिन्ह क्या होगा, ऋणात्मक होगा, ये आप जान लीजिए। ये तो मतलब मैं बेसिक तरीके से बता रहा हूँ। अब देखिए ये किरण क्या, और अपसारी मतलब ये फैल जा रही हैं, अपसारी मतलब फैल जा रही हैं, ठीक है। और ये फोकस अधिक क्यों हो रहा है, ये फोकस अधिक क्यों होता है, जब ये अनंत तक प्रकाश जाता है तो फोकस होता है, अनंत होता है मतलब अधिक होता है, ये जान लीजिए। और क्षमता कम क्यों होता है, क्योंकि यहाँ पर ये प्रकाश जो क्षमता, ये फोकस अधिक होगा तो क्षमता कम होगा, क्योंकि आप सूत्र पढ़े हैं कि एफ बराबर 1/p पढ़े हैं ना, तो ये व्युत्क्रमानुपाती होता है, ये आप समझ लीजिए, अभी थोड़ा बहुत समझ लीजिए। अब देखिए यहाँ पर है कि अधिक दूरी तक जाएगा, ये क्यों, ये अधिक दूरी तक जाएगा, ये पतला लेंस है और ये मोटा लेंस है, इसी दो याद कर लीजिएगा, ये पतला ये मोटा। अब देखिए उत्तल लेंस से क्या खासियत है कि ये ना किरणों को ना एक बिंदु पर इकट्ठा करता है, एक बिंदु पर इकट्ठा करता है, ये उत्तल लेंस का कार्य है। और ये क्या करता है ना, इसकी फोकस दूरी कम क्यों होती है, क्योंकि ये पास ही में इमेज को बना देता है, ठीक है, और ये दूर तक नहीं जाता, इसलिए इसकी फोकस कम होती है। अब देखिए फोकस कम होगी तो क्षमता क्या होगी, अधिक होगी, ये जान लीजिए। ये कम दूरी तक जाएगा, देखिए यहाँ पर मैं अस्पष्ट लिखा हूँ, ये क्यों समझा रहा हूँ आपको, निकट दृष्टि दोष और मतलब दूर दृष्टि दोष एकदम आसानी से समझ में आ जाएगा। ये समझ में आ गया होगा तो अब चलिए स्टार्ट करते हैं निकट दृष्टि दोष और दूर दृष्टि दोष। देखिए एक ही साथ बताएंगे निकट दृष्टि दोष और दूर दृष्टि दोष, ठीक है, ये अलग अलग नहीं बताएंगे हम, तो चलिए इसको स्टार्ट करते हैं। देखिए परिभाषा क्या है, इसमें परिभाषा एकदम मतलब आपको भी याद कराने का भी ट्रिक बताएंगे। जैसे इसमें दोष, इस दोष को मानव में क्या होता है ना, निकट की वस्तु, जैसे निकट दृष्टि दोष है ना तो निकट की वस्तु दिखाई देगी, ये उटपटांग परिभाषा है, इसको समझ लेंगे ना तो आपका सारा डाउट क्लियर हो जाएगा। निकट दृष्टि दोष मतलब निकट की वस्तु दिखाई दे रही है और दूर की वस्तु इसमें नहीं दिखाई देती है। तो क्या लिखा गया है, इस दोष में मानव को निकट की वस्तु अस्पष्ट दिखाई देती है बल्कि दूर की वस्तु अस्पष्ट नहीं दिखाई देती है। कहने का मतलब है कि जो निकट दृष्टि दोष कोई व्यक्ति में उत्पन्न हो जाएगा ना, तो उसको निकट की वस्तु एकदम अस्पष्ट दिखाई देगी और दूर की अस्पष्ट नहीं दिखाई देगी, ये क्लियर हो जाएगा। अब देखिए दूर दृष्टि दोष में क्या होता है, इसमें दूर की वस्तु एकदम अस्पष्ट दिखाई देती है, एकदम क्लियर, और बल्कि पास की वस्तु अस्पष्ट नहीं दिखाई देती है, इसे दूर दृष्टि दोष कहते हैं। ये क्लियर एकदम परिभाषा क्लियर हो गया होगा, दस ये एकदम शॉर्ट तरीका से परिभाषा है, आपको ऐसे एग्जाम में लिखना आएगा तो, ठीक है। अब देखिए ये यहाँ पर देखिए, अब इसका कारण क्या है कि निकट दृष्टि दोष क्यों उत्पन्न होता है, इसका कारण क्या है कि दूर दृष्टि दोष क्यों उत्पन्न होता है। देखिए पहला कारण क्या होगा कि देखिए ये गोलक का आकार बड़ा हो जाएगा, देखिए गोलक का आकार बड़ा हो जाएगा तब ये दिक्कत होगा। ये गोलक आकार क्यों बड़ा है, अब देखिए इमेज का आगे बनना, ये यहाँ से रेटिना, रेटिना है रेटिना, ये आपको कुछ पढ़े होंगे, रेटिना के आगे बनने पर भी निकट दृष्टि दोष उत्पन्न हो जाता है। आगे मतलब निकट मतलब आगे, यहाँ याद कर लीजिएगा, निकट मतलब आगे। देखिए इमेज आगे बनने पर ही ये निकट दृष्टि दोष उत्पन्न होता है। अब यहाँ से देखिए तीसरा कारण है फोकस दूरी के कम होना। फोकस दूरी क्यों, हमें कम क्यों लिखे हैं, ये फोकस दूरी के लेंस में फोकस दूरी कम हो जाती है, क्यों कम हो जाती है, क्योंकि ये मोटा लेंस है और ये अवतल लेंस में फोकस दूरी, क्योंकि ये पतला है, ये पतला है तो पास दूर तक जाएगा, एकदम प्रकाश तेज निकलेगा, ये मोटा है तो थोड़ा मतलब ये मोटा है ना, जैसे पानी है तो पानी में से आप नहीं निकल पाएंगे, वही हवा है तो हवा में से आप आसानी से निकल जाएंगे ना, तो वही बात है, यहाँ से निकलेगा तेज से भागेगा प्रकाश, ये मोटा में से पास ही रुक जाएगा और ये दूर तक जाएगा। तो देखिए फोकस दूरी कम हो जाएगी क्योंकि ये रेटिना का कारण, ये मोटा हो जा रहा है रेटिना का कारण, तो फोकस दूरी क्या हो रही है, कम हो जा रही है। कहने का मतलब है
कि जो फोकस दूरी क्यों कम हो जा रही है, रेटिना का आकार मोटा हो गया जा रहा है, इसलिए अब देखिए क्षमता बढ़ जाएगा, फोकस दूरी कम हो क्षमता बढ़ जाएगा। और यहाँ पर वही यहाँ पर भी है, इसमें भी कारण है कि आकार क्या घट जाना, आकार घट जाता है, इमेज का पीछे बनना, ये रेटिना से पीछे बनता है इमेज। अब देखिए कारण क्या है इसका, दूरी का मतलब फोकस दूरी का अधिक हो जाना। ये फोकस दूरी क्यों अधिक हो रहा है, पतला हो जा रहा है ना, ये गोला का आकार घट जा रहा है, इसलिए इसका फोकस दूरी अधिक हो जा रही है, इसका क्षमता घट जा रहा है। क्योंकि फोकस दूरी अधिक होगा तो क्षमता घटेगा ही। ये क्वेश्चन का मतलब ये स्ट्रेटेजी है समझने का, ठीक है, ये समझ लेना तो आपका सारा डाउट क्लियर हो जाएगा। इसके निवारण के लिए हमको क्या किया जाता है, इसके निवारण के लिए अवतल लेंस प्रयोग किया जाता है। क्यों क्यों अवतल लेंस प्रयोग किया जाएगा बता रहे हैं। देखिए निकट दृष्टि दोष में आपको पास की वस्तु दिखाई दे रही है, दूर की नहीं दिखाई दे रही है। दूर के देखने के लिए हमको क्या, यहाँ पर भी पढ़ाए थे, दूर के देखने के लिए हमको अवतल लेंस का प्रयोग करना पड़ेगा, क्योंकि ये दूर तक प्रकाश जाता है। तो ये भी बताएंगे कि ये मतलब ट्रिक बता देंगे कि आपको ये निकट दृष्टि में कौन सा लेंस प्रयोग होता है, तो अवतल लेंस का प्रयोग होता है। अब देखिए और निकट थी में दूर दृष्टि दोष में अवतल लेंस का प्रयोग क्यों होता है समझिए। ये दूर दृष्टि एथी में दूर दृष्टि दोष में दूर के लिए आपको दूर के मतलब यहाँ पर समझिए, दूर दृष्टि दोष में आपको मतलब दूर की वस्तु हो तो स्पष्ट दिखाई दे रही, बाकी निकट के नहीं दिखाई दे रही है ना। इसमें इसमें का मेन कारण है कि निकट के नहीं दिखाई दे रही, निकट के लिए आपको उत्तल लेंस का प्रयोग करना पड़ेगा। यहाँ से उत्तल लेंस को देख सकते हैं, यहाँ से उत्तल लेंस का प्रयोग करना पड़ेगा, ठीक है। तो ये क्वेश्चन देखिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है, यहाँ से स्क्रीनशॉट ले लीजिए, और ये कोई भी दिक्कत आ रही है जहाँ भी मतलब समझने में दिक्कत हो रहा है नीचे कमेंट कर दीजिए, हम इसका सारा डाउट क्लियर कर देंगे। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक करके ही जाइएगा, ठीक है, धन्यवाद।